देखो तुम अभी पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, इसे संभालने की तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, तुम इसे प्यार कहते हो? अरुणा, मैं मंजिल के करीब आ गया हूँ। कौन से लड़की को देख रहा है तू? तेरे सामने गाड़ी आ रही है, तू देख नहीं सकता क्या? तू मेरे ही गाड़ी के बीच में। सॉरी सर। तुम अजय हो ना? हाँ हूँ। अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं लोकी हूँ। कौन लोकी? अरे हम दोनों ने साथ में ही पढ़ाई की थी, याद नहीं तुझे? नहीं। स्कूल में पीटी मास्टर के दोनों चूल्हे बांध कर उनको मुंह के बल गिरा दिया था, उसके बाद हमें कितनी मार पड़ी थी भूल गया? तिरवोकी। हाँ मैं वही लोकी हूँ, शुक्र है तुझे याद आ गया। कमाल है यार, पहले कैसा था तू और अभी कैसा हो गया? अरे एसएससी के बाद मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, और यहाँ वहाँ भटकने के बाद मैंने एक बार आसमान की तरफ नजर उठा के देखा तो मुझे एक इशारा मिला और मैंने उसे समझ कर पकड़ लिया और उसके साथ आसमान में जाकर चमकने लगा। अरे मैं तो भूल गया, सब बातें इधर ही करेंगे क्या? चल बैठ बैठ, आजा चल चल। मेरे भाई जब रास्ते में चलना है तो थोड़ा देख के चला कर, अगर 2 सेकंड में जल्दी आ गया होता तो मैं तुझे उड़ाई देता। चल अभी रहने दे। तू सोच रहा है ना कि मैं क्या बिजनेस कर रहा हूँ? अरे वही बिजनेस, रियल एस्टेट, लैंड डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस। अच्छा तेरा क्या बिजनेस चल रहा है? बिजनेस करने के लिए पैसे होने चाहिए। बीएससी खत्म करने के बाद मैं अभी बीसीएल कंपनी में काम कर रहा हूँ। बीसीएल हो या आईपीएल हो, मंथली इनकम कितना है? अभी तो 7,000 दे रहे हैं। क्या सिर्फ 7,000? वो तो बस खर्च और खाने पीने में खत्म हो जाएगा, बाकी घर बार के लिए क्या? क्या मतलब? तूने पढ़ाई की बीएससी की और सैलरी है तेरी चपरासी की। मैंने पढ़ाई की एसएससी, लेकिन फिर भी मेरे कार में है एनी टाइम एसी। बस इसी का नाम जिंदगी है। देख भाई, अभी के जमाने में सब डिग्री वेस्ट है, सब दिमाग का पैसा है। माइंड यूज करेंगे तो अपने आप पैसा बनता चला जाता है। वैसे पैसा कमाने के लिए डेयरिंग होना बहुत जरूरी है। मेरे बिजनेस में मुझे तेरे जैसे ही एक अच्छे आदमी की तलाश है। देख हर महीने में तुझे 20 से 25,000 पगार दूंगा, और उसके अलावा अगर तूने अच्छा काम किया तो 20% कमीशन भी मिलेगा, जो भी तेरा बनता है। एक बार ठीक से सोचना और सीधा लैंडमार्क के यहाँ आ जाना। लैंडमार्क के यहाँ? लैंडमार्क मेरे ऑफिस का नाम है मेरे भाई। एक बात सुन, मैंने एक बार लैंड को मार्क कर दिया तो डील डन हो जाती है। ये रहा मेरा कार्य, कल मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिल लेना। ठीक है भाई, बाय बाय। हेलो कंट्रोल रूम, हम उसी रास्ते पे। चलो जल्दी फास्ट, मूव मूव जल्दी, नहीं छोड़ना इसे। चलो जल्दी, कमान कमान, अरे छोड़ना नहीं उसे। अरे जल्दी चलो यार, उसे नहीं छोड़ेंगे आज, पकड़ो इसे। ए, जल्दी चलो, उसका पीछा करो, उसको छोड़ो मत, उसके पीछे रहो। चलो जल्दी चलो। Hey, look up! Hey!
निकल गया। कंट्रोल रूम। सुनो, हर कमरे के अच्छी तरह से तलाशी लो, वो बचकर कहीं नहीं जाना चाहिए। कम ऑन, सर्च। ये सब क्या है इंस्पेक्टर? आपको कौन चाहिए? अजय आपका लड़का है? हाँ जी, वो मेरा ही लड़का है। वो एक आदमी को शूट करके वहाँ से भाग निकला है। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। लक्ष्मी, तुम चुप रहो, घबराओ मत। इंस्पेक्टर, आपके पास कोई प्रूफ है? मेरे पास अरेस्ट वारंट है उसका। सर, हमने उसे हर तरफ ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। शिट। देखिए, आप अपने बेटे से कहिए को अपने आप को पुलिस स्टेशन में आके सरेंडर कर दे, हो सकता है उसकी जान बच जाए। अगर इसी तरह क्रिमिनल लोगों की तरह भागता रहा तो मेरे हाथ उसका एनकाउंटर हो जाएगा। कम ऑन। ये क्या जी, ये लोग क्या बोल रहे हैं? अजय का एनकाउंटर करेंगे, ऐसा क्यों बोल रहे थे ये लोग? तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। देखो, मैं अपने वकील के साथ पुलिस स्टेशन जाकर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, तब तक तुम हिम्मत रखो। अजय का कुछ नहीं होगा, इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों बिजनेस पे ही मिलते थे पार्टनर की तरह, कभी हमें पता भी नहीं था कि हम दोनों आपस में सब्जी भी बने। ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी, लेकिन आपकी बात सुनकर तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। जितनी खुशी तुम्हें हो रही उतनी मुझे भी हो रही है, आखिर मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनने जा रही है। गिरजा, बुलाना उसको। बेटी आ जाओ। वहाँ बैठ जाओ। हाँ, बेटा बैठो। चलो पियो ना। हाँ। क्या कहते हो बेटे, ओके है ना? ओके। हाँ भाई मंजुनाथ। हाँ, जल्दी से पंडित को बुला के शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। अंकल एक मिनट, क्या मैं इनसे थोड़ी बात कर लूं? थोड़ी बात क्यों बेटा, पूरी बात कर लो। बेटा ले जाओ। बेटी जाकर बात कर लो। अरुणा, एक्चुअली एक मिनट, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ओके। क्या तुम अजय से प्यार करती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जब अजय को मैंने पहली बार देखा तभी मैं उससे इंप्रेस हो गई थी, और जब मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ तो मुझे फोन आया था और मैं अपने पिताजी को देखने हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर, अब मेरे पिताजी कैसे हैं? He is out of danger. He
थैंक यू डॉक्टर। मुझसे थैंक यू कहकर तो आप सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हैं। थैंक यू उनसे कहिए जिन्होंने इन्हें हॉस्पिटल में लाया, उनको अपना खून दिया और उनका ट्रीटमेंट कराया। कौन है वो, कहाँ है वो? वो यहीं पर है, आइए। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैडम वो रहे।